एक षष्टितमः सर्गः श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज और उनके ना मिलने से श्री राम की व्याकुलता। दशरथ नंदन श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सूने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के आसन इधर उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः वहां के सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ओर ढूंढने पर भी जब विदेह कुमारी का कहीं पता नहीं लगा, तब श्री रामचंद्र जी अपनी दोनों सुंदर भुजाएं ऊपर उठाकर सीता का नाम ले जोर जोर से पुकार करके लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, विदेह राजकुमारी कहां है? यहां से किस देश में चली गई? सुमित्रा नंदन, मेरी प्रिया सीता को कौन हर ले गया अथवा किस राक्षस ने खा डाला? सीते, यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी करना चाहती हो तो इस समय यह हंसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं, तुम मेरे पास आ जाओ। सौम्य स्वभाव वाली सीते, जिन विश्वस्त मृग छौनों के साथ तुम खेला करती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो आंखों में आंसू भरकर चिंता मग्न हो गए हैं। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही अब परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। वे मुझे उपालंब देते हुए कहेंगे, मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहां रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी, फिर उतने समय तक वहां रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना तुम यहां मेरे पास कैसे चले आए? तुम जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है। ये बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। वराहरोहे सुमध्य में सीते, मैं विवश, शोक संतप्त, दीन भग्न मनोरथ हो करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूं। जैसे कुटिल मनुष्य को कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहां छोड़कर कहां चली जा रही हो? मुझे ना छोड़ो, ना छोड़ो। तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वे जनक नंदिनी उन्हें दिखाई ना पड़ी। जैसे कोई हाथी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीता को न पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम से उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण यूं बोले, महामते, आप विषाद ना करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयास करें। वीरवर, ये सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है अनेक कंदराओं से सुशोभित है। मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है, वे वन की शोभा देखकर हर्ष से उन्मत्त हो उठती हैं, अतः वन में गई होंगी अथवा सुंदर कमल के फूलों से भरे हुए इस सरोवर के या मत्स्य तथा वेतस लता से सुशोभित सरिता के तट पर जा पहुंची होंगी। अथवा पुरुष प्रवर, हम लोगों को डराने की इच्छा से हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिज्ञासा से कहीं वन में ही छिप गई होंगी। अतः श्रीमान, वन में जहां जहां जानकी के होने की संभावना हो उन सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही उनकी खोज के लिए प्रयत्न करें। रघुनंदन, यदि आपको मेरी ये बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दें। लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार सौहार्द पूर्वक समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। दशरथ के वे दोनों पुत्र सीता की खोज करते हुए वनों में, पर्वतों पर, सरिताओं और सरोवरों के किनारे घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लगे रहे। उस पर्वत की चोटियों, शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी तरह जानकी को ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। पर्वत के चारों ओर खोजकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, इस पर्वत पर तो मैं सुंदरी वैदेही को नहीं देख पाता हूं। तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण्य में घूमते घूमते अपने उद्दीप्त तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा, महामते, जैसे महाबाहु भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधकर यह पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी को पा जाएंगे।
वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुल चित्त हुए श्री रघुनाथ जी ने दीन वाणी में कहा, महाप्राज्ञ लक्ष्मण, मैंने सारा वन खोज डाला, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर भी देख लिए तथा अनेक कंदराओं और झरनों से सुशोभित इस पर्वत को भी सब ओर से छान डाला, परंतु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी वैदेही कहीं दिखाई नहीं पड़ी। इस प्रकार सीता हरण के कष्ट से पीड़ित हो विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी दीन और शोक मग्न हो दो घड़ी तक अत्यंत व्याकुलता में पड़े रहे। उनका सारा अंग विह्वल हो गया, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना लुप्त सी होती जा रही थी। वे गरम गरम लंबी सांस खींचते हुए दीन और आतुर होकर विषाद में डूब गए। बारंबार उच्छ्वास लेकर कमल नयन श्री राम आंसुओं से गदगद वाणी में हा प्रिय ऐसा कहकर बहुत रोने भी लगने लगे। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। लक्ष्मण के ओष्ठ पुटों से निकली हुई इस बात का आदर ना करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी सीता को न देखने के कारण उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। द्विषष्टितमः सर्गः श्री राम का विलाप। सीता को ना देखकर शोक से व्याकुल चित्त हुए धर्मात्मा महाबाहु कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे। श्री रघुनाथ जी सीता के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनके वियोग में कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें ना देखकर भी देखते हुए के समान ऐसी बात कहने लगे जो विलाप का आश्रय होने से गदगद कंठ के कारण कठिनता से बोली जा रही थी। प्रिय, तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं, इसीलिए खिली हुई अशोक की शाखाओं से अपने शरीर को छिपाती हो और मेरा शोक बढ़ा रही हो। देवी, मैं केले के तनों के तुल्य और कदली दल से ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों उर्वों को देख रहा हूं, तुम उन्हें छिपा नहीं सकती। भद्रे देवी, तुम हंसती हुई कनेर पुष्पों की वाटिका का सेवन करती हो, बंद करो इस परिहास को, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। विशेषतः आश्रम के स्थान में यह हास परिहास अच्छा नहीं बताया जाता है। प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हारा स्वभाव परिहास प्रिय है। विशाल लोचनी, आओ, तुम्हारी यह पर्णशाला सुनी है। फिर भ्रम दूर होने पर वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, अब तो भली भांति स्पष्ट हो गया कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हर लिया, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूं और वो मेरे पास नहीं आ रही है। लक्ष्मण, ये जो मृग समूह है, ये भी अपने नेत्रों में आंसू भरकर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गए। आ मेरी आर्ये, तुम कहां चली गई? हां साध्वी, हाँ वर वर्णिनी, तुम कहाँ गई? हाँ देवी, आज कह के ही सफल मनोरथ हो जाएगी। सीता के साथ अयोध्या से निकला था, यदि सीता के बिना ही वहां लौटा तो अपने सूने अंतःपुर में कैसे प्रवेश करूंगा? सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। जब वनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आएंगे, उस समय मैं उनसे क्या कहूंगा, उनकी ओर कैसे देख सकूंगा? मुझे सीता से रहित देख विदेहराज जनक अपनी पुत्री के विनाश से संतप्त तो हो निश्चय ही मूर्छित हो जाएंगे, अथवा अब मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी की ओर नहीं जाऊंगा। जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सूना जान पड़ता है, इसलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ। मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। भरत का गाढ़ा लिंगन करके तुम उनसे मेरा संदेश कह देना। कैकेयी नंदन,
तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है। विभो, मेरी माता कौसल्या कैकेयी तथा सुमित्रा को प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए उन सब की रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, ये तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। शत्रुसूदन, मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का ये समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना। सुंदर केश वाली सीता के विरह में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर जब इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण के भी मुख पर भय जनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा और वे अत्यंत घबरा गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। त्रिषष्टितमः सर्गः श्री राम का विलाप। अपनी प्रिया सीता से रहित हो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे। उनसे महान शोक में डूबे हुए श्री राम दुख के साथ रोते हुए गरम उच्छ्वास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले। सुमित्रा नंदन, मालूम होता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय और मन को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। उन्हीं में से कुछ कर्मों का यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूं। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिताजी का परलोकवास हुआ, फिर माता से भी मुझे बिछड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं, तब मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती हैं। हे लक्ष्मण, वन में आकर क्लेश का अनुभव करके भी ये सारा दुख सीता के समीप रहने से मेरे शरीर में ही शांत हो गया था, परंतु सीता के वियोग से वो फिर से उद्दीप्त हो उठा है। जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर आग सहसा प्रज्वलित हो उठती है। हाय, मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरु पत्नी को अवश्य ही राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया। उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन, जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। राक्षस के वश में पड़ी हुई मेरी प्रिया का वो मुख, जो स्निग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करने वाला तथा काले काले घुंघराले केशों के भार से सुशोभित था, वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा, जैसे राहु के मुख में पड़ा हुआ चंद्रमा शोभा नहीं पाता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा का कंठ हर समय हार से सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्त भोजी राक्षसों ने सूने वन में अवश्य उसे फाड़कर उसका रक्त पिया होगा। मेरे ना रहने के कारण निर्जन वन में राक्षसों ने उसे ले लेकर घसीटा होगा, और विशाल एवं मनोहर नेत्रों वाली वो जानकी अत्यंत दीन भाव से कुररी की भांति विलाप करती रही होगी। लक्ष्मण, ये वही शिलातल है जिस पर उदार स्वभाव वाली सीता एक दिन पहले मेरे साथ बैठी हुई थी। उसकी मुस्कान कितनी मनोहर थी। उस समय उसने हंस हंस कर तुमसे भी बहुत सी बातें कही थी। सरिताओं में श्रेष्ठ ये गोदावरी मेरी प्रियतमा को सदा ही प्रिय रही है। सोचता हूं शायद वो इसी के तट पर गई हो, किंतु अकेली तो वो कभी वहां नहीं जाती थी। उसका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलों के समान सुंदर हैं।
संभव है वो कमल पुष्प लाने के लिए ही गोदावरी तट पर गई हो, परंतु ये भी ठीक नहीं है क्योंकि वो मुझे साथ लिए बिना कभी कमलों के पास नहीं जाती थी। हो सकता है कि वो इन पुष्पित वृक्ष समूहों से युक्त और नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित वन में भ्रमण के लिए गई हो, परंतु ये भी ठीक नहीं लगता क्योंकि वो भीरु तो अकेली वन में जाने से बहुत डरती है। सूर्यदेव, संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं किया इसे तुम जानते हो, लोगों के सत्य असत्य कर्मों के तुम ही साक्षी हो। मेरी प्रिया सीता कहां गई अथवा उसे किसने हर लिया ये सब मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसके शोक से पीड़ित हूं। वायुदेव, समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो। मेरी कुलपालिका सीता कहां है ये बता दो। वो मर गई, हर ली गई अथवा मार्ग में ही है। इस प्रकार शोक के अधीन होकर जब श्री रामचंद्र जी संज्ञा शून्य हो विलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था देख न्यायोचित मार्ग पर स्थित रहने वाले उदार चित्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उनसे ये समयोचित बात कही। आर्य, आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें, सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखें, क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कार्य आपड़ने पर भी कभी दुखी नहीं होते हैं। बढ़े हुए पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उस समय रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम ने आर्त होकर उनके कथन के औचित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और वे पुनः महान दुख में पड़ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ।